और यहां के एमएलए साहब जो 10 साल से हमारा वोट लेकर जीत रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, एमएलए साहब ये ईदगाह का मसला आया तो तुम गायब क्यों हो गए? ईदगाह का मसला आया तो तुम ईदगाह कमेटी के मेंबर हो, तुम गायब हो गए। क्यों गायब हुए? नहीं, बीजेपी को वोट मिल जाता। यानी मेरी ईदगाह का मसला आएगा, हुबली की ईदगाह का मसला आएगा तो तुम गूंगे हो जाते हो। और फिर 10 साल से टीपू जयंती मनाई गई, कांग्रेस का एमएलए दिखा आपको? दिखा आपको? दिखना चाहिए आपको आपके एमएलए टीपू जयंती में, दिखना चाहिए एमएलए टीपू जयंती में, दिखना चाहिए ना। दुर्गप्पा आएगा, एमएलए बने तो आएगा, दुर्गप्पा आप आएंगे टीपू जयंती में? आना दुर्गप्पा, उन्हें कांग्रेस का डर के नहीं आया, तुम टीपू की तरह जाना, बेखौफ होकर जाना इंशाल्लाह। ये आपके एमएलए साहब। फिर अच्छा, एमएलए साहब आपका एक आपके भाई का भी किस्सा है, मंजूस हाउस का। एमएलए साहब ये क्या किस्सा है, ये क्या किस्सा है इस बच्ची की सुसाइड का, इस पर कुछ बोलो एमएलए साहब। हमारा वोट तो ले रहे हैं, ना ईदगाह के मसले में बोलते, ना टीपू जयंती के मसले में बोलते, ना मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया कांग्रेस के एमएलए, बिल्कुल मुंह बंद। और उसके बाद ओल्ड हुबली में गड़बड़ हुई, कुछ नहीं। अच्छा एमएलए साहब, आपके भाई का भी क्या चक्कर है, ये भी मालूम है, ये भी किस्सा मालूम है। अब ये नहीं बोलते रोड वाइडनिंग के नाम पर महमूद शाह खादरी की दरगाह को डिमोलिश कर दिया। आप बताइए कि 10 साल से मिले हैं, आपने हुबली की जनता के, हिबीस की जनता के लिए क्या किया?